अरे ये बाल वाल ना बड़े परेशान करते हैं यार। हाँ तो मैं ये कह रही थी ना कि मेरे नाम से लोगों ने बहुत सारे फेक चैनल बना लिए हैं, और तो मैं क्या करूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। पर करूँगी यार, ऐसे थोड़ी, ओरिजिनल तो मेरा ही है, मैं बनाती हूँ। धीरे धीरे कर रहे हैं, पर दुखी तो बहुत हूँ इसलिए क्योंकि कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमको। अलग अलग साड़ी पहनना, अलग अलग ज्वेलरी पहनना, और टाइम निकालना, वीडियो शूट करना, वीडियो अपलोड करना, उसके बाद कोई आराम से बैठे बैठे तुम्हारा सब कुछ ले ले। अरे मैं बोलती हूँ कि आप लोग किसी पे भी भरोसा मत कीजिए। मैंने कर किया भरोसा और मेरे को धोखा मिला, वो भी एक नहीं दो चार जगह से। तो गाइस प्लीज़ प्लीज़, आई होप कि आप लोग भरोसा करें, पर थोड़ा एक लिमिट में करें। आंखें बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें, और जो आंखें बंद करके भरोसा करता है ना वही धोखा खाता है, जैसे कि मैं धोखा खाई हूँ। सच में गाइस मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला, क्योंकि मैंने अपना भाई समझ के चैनल दिया, उसने पहले बगाड़ दिया, उसके बाद में एक को लॉग इन करने के लिए दिया, वो मेरा दोस्त था, उसने भी अपने फ़ोन में लॉग इन कर लिया। यही सब हो रहा है आजकल फ्रॉडगिरी, इसलिए किसी को भाई बनाने से पहले 10 बार सोचें, उसके बाद बनाएं। अपना दोस्त बनाने से पहले 10 बार सोचें, तब उसको अपना दोस्त बनाएं। ऐसे पल भर में आपकी सालों की मेहनत बेकार करके रख देते हैं लोग। तरस नहीं आता, इंसानियत तो अंदर रही नहीं किसी के। क्या करूं यार, कल मैं कार में बैठे बैठे रो रही थी ये सब सोच के कि करूं तो भरोसा किस पे करूं। अभी 2-4 दिन हुआ जिस दिन ये सब पता चला, उस दिन मैंने गुस्से में इसी दीवार में मैंने मेरा ही सर तोड़ दिया। कभी कभी ज्यादा गुस्सा आता है ना तो मन करता है कुछ कर लूं, पर एक्चुअली सोचना पड़ता है यार, इसलिए नहीं कुछ कर रही हूँ। और जानती हूँ ये चीज़ें गलत है, मैंने तो मेहनत किया, किसी और ने धोखा दिया, पर एक्चुअली गाइस बहुत तकलीफ़ होती है। मैं जिस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ, भगवान करे कि कोई ना गुजरे। तो ये तो रही चैनल की बात कि मैंने किसी को भरोसे पे दिया, उसने धोखा दिया, और कितनी सारी लोग वीडियो कॉपी कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। पर कोई भी हो, कोई भी बात हो, किसी भी कारण से, मान लो किसी को दोस्त ही बनाना तो बनाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर सोच के समझ से